रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने नवरात्रि के शुरुआत में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले को 1 लाख की धनराशि देने का आदेश किया था और प्रत्येक जिलाधिकारी को यह आदेश दिया था कि रामनवमी धूमधाम से मनाई जाए। आज रामनवमी के पावन अवसर पर आजमगढ़ के कप्तानगंज मार्केट में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्ति पूरे नवरात्रि में स्थापित रही। आज उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, इसमें रथ और हाथी की सवारी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यकर्ता भगवा रंग में नजर आए, भगवा रंग की पगड़ी के साथ धूमधाम से नाचते गाते यात्रा निकाली गई। किसी प्रकार का दंगा न हो इसलिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। हमने एक कार्यकर्ता से बात की, उसने क्या कहा सुनिए। कैसे तैयारी की आप लोगों ने? यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी, भगवान राम का जुलूस निकाला गया, बहुत सुंदर ढंग से सब चल रहा है प्रोग्राम और बहुत हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाई जा रही है। यहाँ पे आपस में सब भाईचारा है, अच्छे से लोग मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब लोग भाई का आपस में मिल करके सब त्योहार मनाते हैं। अच्छा, योगी सरकार ने ये भी किया था कि हर जिले को 1 लाख रुपए दिए थे मनाने के लिए रामनवमी, वो उस पैसे का है आप लोग अपना स्वयं व्यवस्था की है? हम लोग अपना स्वयं का व्यवस्था की है। हाँ, वो पैसा उस पैसे की व्यवस्था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रामनवमी की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी। कप्तानगंज मार्केट भगवा रंग के पताकाओं से सजाई गई थी। जगह जगह भगवा रंग में बैनर लगे थे जिसमें सनातन से जुड़े वाक्य लिखे थे। आज रामनवमी के अवसर पर पूरे दिन भर कार्यक्रम होते रहे। सुबह में राम जन्मोत्सव मनाया गया, उसके बाद से यात्रा निकाली गई और यह शोभा यात्रा पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रही। मैं हूँ अर्चना यादव, शुक्रिया।